मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू गाइस ऑल फिट एंड हैव। चैनल इज बेस्ड ऑन फिटनेस, ट्रैवलिंग, माय लाइफस्टाइल। तो मैं फाइनली पहुंच गया हूँ पिथौरागढ़। तो यहाँ आके मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिला है, यहाँ स्कूटी ले लिए घर वालों ने, मेरे को पता ही नहीं है कि स्कूटी ले लिए। तो स्कूटी एंटॉर्क, तो अभी मैं वही चलाने जा रहा हूँ, मतलब बताऊँगा आप लोगों को भी रिव्यू कैसा है करके। तो चलते हैं भाजी। कपड़े साले स्कूटी बताएगी नहीं मेरे को, एक महीना आ गया पता नहीं है मेरे को पता ही नहीं है स्कूटी ले लिए, बताया नहीं साले मेरे को पता ही नहीं था। तो अभी मैं जा रहा हूँ टेस्ट ड्राइव लेने और आपको भी रिव्यू दूंगा एंटॉर के। चलें फिर राइड पे, चलो चलते हैं फिर गाइस राइड पे भज्जी के साथ। कपिल क्या नाम है इसका, वो फ्री फायर प्लेयर? हाँ, क्या आईडी क्या है? आईडी कैन कैन सिपाल, कैन का ढक्कन। चलो फिर गाइस चलते हैं और आपको भी देते रिव्यू। चलिए गाइस आज लेते हैं राइड। तो ये है स्कूटी एंटर, तो ही नहीं रखी है। तो इसका ब्लूटूथ सिस्टम भी है, तेल भी कम है इसमें, तेल वहाँ से दिखते हैं। तो पहुँच जाएगी, तो चला देंगे स्कूटी। कर हमारी सीट, हेलो रेसर। तो काफी दिक्कत हो रही है अभी यहाँ चलाने में। हेलो हेलो, बढ़िया। और चल रहा जिम? अच्छा अच्छा, बहुत ये हो गया, एक महीना हो गया। आराम से आराम से आराम से आराम से, हाँ रोज तो ये भी हाई भी हो रहा, हाई भी काफी छोटा रास्ता हो गया। इसकी स्पीड चेक करेंगे आज हम, कौन सी एंटॉर्क में? एंटॉर्क नहीं है अभी, रुकी नहीं है अभी। ओ बेटा ये रोड है बड़ी भयंकर हो गई यार, बच्ची कब से हुई है। तो अभी काफी दिक्कत हो रही है चलाने में, अभी आइडिया आ जाएगा एक दो बार चला के। मेरे को तो ज़्यादा नहीं लग रही इसकी पावर, नॉर्मली लग रही है। अब मेरे को बाइक की आदत है तो इस वजह से लग रहा होगा। गुल ऐसे चलाता हो, गुल ऐसे चलाता हो क्यों? काफ़ी कंफर्टेबल है एंटॉर्क और स्पीड भी ठीक ठाक ही है। बड़ा भी सर्विस नहीं हुई है तो अभी थोड़ा इंजन नहीं खुला है इसका। बाकी अभी आपको थोड़ा सिनेमैटिक भी दिखाऊंगा मैं एंड टॉक, क्योंकि ये है ब्लैक पैंथर एडिशन है। इसमें कौन कौन से एडिशन आते हैं कपिल? रेस एडिशन सुने हैं, और वो भी तो था वो कैप्टन अमेरिका वाला, तो एवेंजर वाला है। अच्छा एवेंजर, हाँ एवेंजर में, ये भी तो एवेंजर ही है शायद। सुपर स्क्वाड वैसे यही नाम है एवेंजर। और इसमें और भी खासियत है ब्लूटूथ वगैरह की, बट अभी चलाना नहीं आता, यूट्यूब से देख के सीखना पड़ेगा। फ्यूल भी एम्प्टी है, क्या हीट का मतलब कहाँ पे? इंजन कितना हीट है? अभी कितना हो रहा है कैसे पता चलेगा? अच्छा ये है ना, अगर ये फुल हो गया तो ये तो काफ़ी अच्छा है, तो धूप से हो रहा होगा है। हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ, नहीं नहीं ये तो धूप का है अभी। क्या क्या कौन सा वाला, कौन सा वाला? तो अभी दिखाऊंगा गाइस आपको ये करके भी। बाकी ये हॉर्न है इधर वाला, तो ये हॉर्न। चलिए आगे थोड़ा सिनेमैटिक लेते हैं इसकी, फील्ड में ले जाओगे बच्ची? गाड़ी आ रही देखते पीछे से,
भाई तो थोड़ा इधर घूम जाओ। तो थोड़ा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। चलिए फिर गाइस थोड़ा सिनेमेटिक चेक कर लो। तो इसमें थोड़ा फंक्शन बता देता हूँ मैं आपको। ये तो डिपर का है, बाकी ये हॉर्न हो गया, ये इंडिकेटर का। और चारों कैसे चलते हैं इंडिकेटर, कहाँ पे लगाना पड़ता है इसको? तो ये अभी चारों कर दिए तो इंडिकेटर जलेंगे। जल रहे हैं गाइस? एक ये, एक ये जल रहा है और ये पीछे की भी जल रहे हैं। बाकी काफ़ी बढ़िया लगी चलाने में तो, बट थोड़ी यहाँ सीट थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है। बाकी अभी आपको डिग्गी खोल के दिखाता हूँ। और ये तो पेट्रोल का हो गया, ये खुल गई डिग्गी, और डिग्गी में भी काफ़ी स्पेस है। ये पेंट किसका रखा है? मुझे कुछ कार्ड के पेपर नहीं मिले क्या? मिले नहीं, घर में क्यों रखे हैं फिर? रुक जा अभी तो ये। और यहाँ पे चार्ज का भी है सिस्टम, इधर लाइट भी चल रही है तो यहाँ पे थोड़ा चार्ज का सिस्टम भी है यहाँ पे, तो USB लगा के चार्ज कर सकते हैं। बाकी कौन सा है यार ये? तो और स्पेस भी है काफ़ी ठीक ठाक, बट थोड़ा आगे स्पेस नहीं है और ये पेट्रोल का हो गया। तो इसमें एक जर्किन भी आराम से आ सकता है, तो इतनी बड़ी स्पेस है इसमें गाइस। बंद और हो जाए। स्पीड भी काफ़ी अच्छी खासी खींच ले रही है ये, बट उतना नहीं खींच पा रही जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। मज़ा भी आ गया मैं स्कूटी चला के। होप आपको सिनेमेटिक पसंद आया हो। और स्कूटी चलाने में उतना खास मज़ा नहीं आया, आया बट उतना वो फील नहीं आया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था एंटॉक से। तो फिर गाइस कल मैं जा रहा हूँ दारमा वैली अपने गाँव सीपू, क्योंकि थोड़ा काम है, थोड़ा सामान वगैरह पहुँचाना है वहाँ पे और थोड़ा कुछ सर्वे करना है मेरे को, तो इस वजह से जा रहा हूँ। क्योंकि ठीक एक महीने बाद हमारी पूजा होने वाली है जो 6 साल में एक बार होती है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है, तो काफ़ी भयंकर कंटेंट आने वाला है, तो गाइज मिस मत करना। तो फिर आज के ब्लॉग मैं यही एंड करता हूँ। फिर आपको दिखाऊंगा मैं अपना गाँव परस, मतलब वेडनेसडे या थर्सडे को आ जाएगा। तो फिर आज का ब्लॉग यही एंड करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे कुछ दिनों बाद। तब तक के लिए गाइज फिट रहिए और खुश रहिए। बाय।